गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं हम अध्ययन कर रहे थे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा धरातल पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है और इन स्थलाकृतियों के बनने के लिए अंतर्जात बल, ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्स जिम्मेदार होते हैं। जो धरातल के अंदर विभिन्न प्रकार की अंतर क्रियाएं होती है, विवर्तनिक क्रियाएं होती है, उन्हें हम आंतरिक या अंतर्जात प्रक्रियाओं में शामिल करते हैं जो अंतर्जात बलों के कारण होती है, ठीक है। फिर हमने बात की कि धरातल पर जब ये भूआकृतिक प्रक्रियाएं के फलस्वरूप जो भूआकृतिक कारक बन जाते हैं, देखो यहाँ पे जो प्रक्रियाएं हैं उनकी हम बात करते हैं, प्रक्रियाएं जो प्रोसेस होता है, और यहाँ पे कारक जिनके कारण, जिन कारकों के कारण भूआकृतिक स्वरूप बनते हैं, उन कारकों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का, भूआकृतियों का धरातल पर लैंडफॉर्म्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जा रहा है, उसके बाद विभिन्न प्रकार से बहिर्जनिक बल, बहिर्जनिक बल जो हम बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, बहिर्जनिक बल जो बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या करते हैं, धरातल को सम करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं ना, धरातल को सम करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि लगातार धरातल को समतल करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं धरातल का कुछ हिस्सा तक इक्वल होने का इक्वल हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से धरातल बराबर नहीं हो पाता है, और आज हमें धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां दिखाई देती है, ठीक है। तो हम भू आकृति प्रक्रियाओं के विषय में हम विस्तार से अगर हम अध्ययन करें, ठीक है, विस्तार से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से अंतर्जात प्रक्रियाओं, बहिर्जात प्रक्रियाओं के लगातार प्रयास के बावजूद भी, या इनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न जो भू आकृति कार्य, इनके द्वारा की जाने वाली अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भी हमें आज किस प्रकार से धरातल की या भू आकृतियों की प्राप्ति हुई है, जो भू आकृतियां वर्तमान में धरातल पर है वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो भूआकृति प्रक्रियाओं को हम पढ़ने के लिए दो प्रकार से पाठ का अध्ययन कर सकते हैं, अंतर्जनिक प्रक्रियाएं और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि धरातल के अंदर, धरातल के नीचे के भाग की हम बात करते हैं, भूगर्भ की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो भी विवर्तनिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, विवर्तनिक प्रक्रियाएं जिससे धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनने का प्रयास करती है, इन्हें हम क्या करते हैं, अंतर्जनिक प्रक्रियाएं, जो अंतर्जात बलों के फलस्वरूप होती है। फिर हम बहिर्जनिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे, धरातल के ऊपर जो स्थलाकृतियां बन जाती है, ठीक है, उनमें लगातार जब परिवर्तन होता रहता है और अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, धरातल सम करने का ये प्रयास करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, इन प्रक्रियाओं में जो धरातल के ऊपर बहिर्जात बलों के कारण प्रक्रियाएं होती है, हम बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में शामिल करते हैं, ठीक है। तो देखें, आप अपनी बुक से इसको स्टडी करने का प्रयास करोगे, थोड़ा टफ सा चैप्टर है, बुक से लाइन टू लाइन करोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखना जैसे कि अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के विषय में क्या लिखा हुआ है, अगर हम चर्चा करें अंतर्जनिक प्रक्रियाओं की, वैसे तो बहुत सी, लेकिन हम मुख्यतः इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, और बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को हम बांटकर पढ़ते हैं, अपक्षय, वृहत संचलन, अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय, वृहत संचलन, अपरदन और निक्षेपण। अलग अलग प्रकार की हम अंतर्जात और बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्जनिक प्रक्रियाएं क्या है, ठीक है, देखेंगे बुक से तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का स्रोत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ये जो धरातल के अंदर विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है, और ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं ही धरातल पर निकलने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है। धरातल पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भूगर्भ से इस प्रकार से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा रेडोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा से उत्पन्न होती है। अब धरातल में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, रेडोधर्मी प्रक्रियाएं थी, उसके कारण से जो धरातल के अंदर विभिन्न प्रकार से जो ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है, वही ऊर्जा हमें धरातल पर क्या हो रही ना, प्राप्त हो रही है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। अब यहाँ पे जो क्या हो रहा है ना, अंदर ही अंदर विभिन्न कारण से जब ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा यहाँ पे है, अब जब यहाँ पे ऊर्जा होगा तभी आगे का प्रोसेस होगा, बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। और ऊर्जा कब हो रही है, धरातल के निर्माण के समय की हम बात कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जो ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के विवर्तनिक प्रोसेस हो रहे हैं, और इन विवर्तनिक प्रोसेस के तहत क्या जिम्मेदार होते हैं, यहाँ धरातल के अंदर पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता जैसे यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। भूतापीय प्रवणता एवं
अंदर के उष्मा प्रवाह भूपरपट्टि की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतरजात बलों के कार्य समान नहीं होते। देखो यहाँ पे अंतरजात बल ऐसे करें कि समान प्रकार से कार्य करें तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो बलों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है, भूतापीय प्रवणता में जो भिन्नता पाई जाती है, उष्मा प्रवाह में जो भिन्नता पाई जाती है, भूपरपट्टि की मोटाई अलग अलग है। हमने देखा था कि भूपरपट्टि की मोटाई भी क्या पाई जाती है ना, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, अलग अलग प्रकार से मोटाई भी पाई जाती है, थिकनेस इसके सेम नहीं है। तो क्या हो रहा है, अंतरजात बल भी समान रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां अलग अलग प्रकार की बन जाती है। विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपट्टी की सतह असमतल होती है। अगर ये अंतरजात बल समान रूप से कार्य करेंगे तो ऊपर बनने वाली स्थलाकृति कैसे बनेगी ना, पूरी तरह से समान रूप से बनेगी। लेकिन यहाँ पे अंतरजात बल अंतर्जनित प्रक्रिया है, समान रूप से नहीं है, समान रूप से कार्यरत नहीं है, समान रूप से कार्यरत नहीं तो धरातल पर बनने वाली स्थलाकृतियां जो लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, भूआकृतियां हैं, वो कैसे बनेगी ना, अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के होने वाले प्रोसेस ही जिम्मेदार है किसके लिए, अलग अलग प्रकार की भूआकृतियों के लिए धरातल पर बनने वाली। अब हम बात करते हैं पटल विरूपण और ज्वालामुखीता की। सर्वप्रथम बात करते हैं पटल विरूपण की। देखो पटल विरूपण क्या होता है, पटल विरूपण की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। धरातल की वे समस्त स्थल रूप विस्थापन जिनके द्वारा पृथ्वी की भूपरपट्टी, जो पृथ्वी की भूपरपट्टी जिस कारण से झुकती है, मुड़ती है, टूट जाती है और धरातल पर अधिक विभिन्नताएं पैदा हो जाती है। धरातल पर हमने अभी पढ़ा कि धरातल पर विभिन्न प्रकार की क्या हो जाती है, विभिन्नताएं क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। उसका जो प्रमुख कारण यहाँ पे बताया जा रहा है पटल विरूपण और ज्वालामुखी, क्योंकि अंतरजात बलों के कारण यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विवर्तनिक प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, क्रियाएं होती है, उष्मा का जो प्रभाव होता है अलग अलग प्रकार से होता है और विभिन्न प्रकार से यहाँ पे पटल विरूपण और ज्वालामुखीता जैसी प्रक्रियाएं कार्यरत रहती है। उसी में हम सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं पटल विरूपण की बात कर रहे हैं। देखना कि सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित करती है, उत्थापित करती है और निर्मित करती है, जिनसे भूपरपट्टी क्या होती है ना, उन प्रक्रियाओं से भूपरपट्टी संचालित, उत्थापित और निर्मित होती है, किसके अंतर्गत आती है, पटल विरूपण के अंतर्गत हम इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और या हम इसे कह सकते हैं कि धरातल की वे विभिन्न प्रकार की हलचलें, विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो परिवर्तन आ रहा है जिनके द्वारा पृथ्वी की भूपरपट्टी झुकती है, मुड़ती है, अलग अलग प्रकार से भूपरपट्टी में क्या हो रहा है ना, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, और भूपरपट्टी टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, धरातल पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, धरातल पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, पटल विरूपण के कारण अलग अलग प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, भूपरपट्टी में टूटना, मुड़ना, झुकना, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो भूपरपट्टी के संचालित भूपरपट्टी को संचालित करने, उनको उत्थापित करने और निर्मित करने में विभिन्न प्रकार की जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं जिम्मेदार होती है उन्हें हम इसमें शामिल करते हैं, पटल विरूपण में शामिल करते हैं। देखो इसमें तीन चार पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया गया है कि तीक्ष्ण वलयन, जो तीव्र वलयन होता है, के माध्यम से पर्वत निर्माण एवं भूपरपट्टी की लंबी संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रिया है, ठीक है। जो तीक्ष्ण वलयन होता है उसके माध्यम से क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है और भूपरपट्टी की लंबी संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं होती है, यानी कि भूपरपट्टी की लंबी जो पर्वत, हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रिया, यानी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। जब तीक्ष्ण वलयन होता है तो पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। हम पटल विरूपण में बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पे तीक्ष्ण वलयन का परिणाम है तो पटल विरूपण जो प्रक्रिया है उनके फलस्वरूप क्या होता है, पर्वतों के निर्माण की प्रक्रियाएं, धरातल पर पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। धरातल के बड़े भाग के, दूसरी बात के, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया, और धरातल के बड़े भाग में जब क्या होता है, उत्थान हो जाता है, विकृतियां आ जाती है पटल विरूपण के फलस्वरूप, तो क्या होता है, महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया होती है। और तीसरी हम बात करें अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, ठीक है, और फिर धरातल पर हलचल उत्पन्न होती है, छोटे, जब हम कहेंगे पर्टिकुलर छोटे क्षेत्र में जब प्रक्रिया पटल विरूपण से प्रक्रिया होती है तो भूकंप यहाँ पे आते हैं और धरातल पर हलचल उत्पन्न होती है। और फिर चौथा हम बात करें भूपरपट्टी प्लेट के क्षेत्रीय संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका, और यहाँ पे जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हमने पढ़ा था, प्लेट विवर्तनी की भी बड़ी भूमिका पाई जाती है। आप कह सकते हैं कि अग्लास की पटल विरूपण जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप क्या होता है, धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार से यहाँ से प्रोसेस है, तीक्ष्ण वलयन यहाँ पे है तो क्या हो रहा है, पर्वत निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पे संपन्न हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब उत्थापन और विकृतियां आती है, महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाएं हो रही है, और फिर छोटे भाग में जब संचलन होता है, छोटे भाग में जब पटल विरूपण का प्रभाव पड़ता है तो भूकंप संबंधी प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पटल विरूपण संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे धरातल पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है।
तो हमने बात की पटल विरूपण से विभिन्न प्रकार के पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, महाद्वीप रचना की, महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया संभव होती है, और इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन, तापक्रम में परिवर्तन आता है और जिससे सेलों में कायांतरण होता रहता है। ऐसा है नहीं कि एक बार जब बन गया वैसा का वैसा रहेगा, विभिन्न प्रकार से दाब ताप में परिवर्तन आता है और जो शैलें बनी है उनमें भी कायांतरण यानी उनका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पटल विरूपण की हमने चर्चा की कि पटल विरूपण क्या होता है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखीयता की। देखो ज्वालामुखीयता क्या होता है, हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है कि जब तरल तत्व मैग्मा जब धरातल से बाहर आता है, इन दरारों से होता हुआ कहां आता है ना, धरातल से बाहर आता है। अब धरातल से जो बाहर आ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखीयता किसे कहेंगे कि अंदर होने वाले जो प्रोसेस है, अंदर होने वाले जो प्रोसेस है जिससे मैग्मा बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है, ये जो प्रक्रिया है जो धरातल के अंदर क्या हो रहा है कि जब मैग्मा बाहर निकलने की ओर प्रक्रिया प्रयास कर रहा है, तो जिस कारण से ये मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जिस ऊष्मा से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, वो जो प्रक्रिया है यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखीयता कहते हैं। जब बाहर धरातल पर आ गया, यहाँ पे लावा प्रकट हो गया, इस पूरी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कह देते हैं। लेकिन जिस कारण से यहाँ पे मैग्मा तरल मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है, वो जो प्रक्रियाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखीयता। क्या कहते हैं, ज्वालामुखीयता। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन, यहां से लावा का क्या हो रहा है, भूतल की ओर संचलन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, एवं अनेक आंतरिक बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित है। ठीक है, और हम आगे ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल आपको याद आना चाहिए ज्वालामुखी क्या होती है, कि ज्वालामुखी जब तरल तत्व मैग्मा धरातल पर बाहर प्रकट होता है, संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जिस कारण से तरल तत्व मैग्मा क्या हो रहा है, बाहर की ओर संचलित होने का प्रयास कर रहा है, उसे हम प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखीयता कहते हैं। इस प्रकार से हमने पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता की, जो धरातल के अंदर होने वाली विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किया, जिन्हें हम अंतर्जनित बल प्रक्रियाएं कहते हैं, जो अंतर्जात बलों के कारण होती है।